हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज मशरूम की चटपटी सब्जी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था एक पैकेट मशरूम का, जो मैं कल रात को ही मार्केट से लेके आ गई थी। तो आज हम लोग बनाएंगे आधे पैकेट के मशरूम की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मशरूम ले लिए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लूँगी। ये एकदम ताज़ी मशरूम है, एकदम साफ़ है। अगर आपके मशरूम थोड़े से थोड़े से गंदे हों तो आप इसके ऊपर के पील निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे 2 से 3 पानी में धो लेंगे तो ये क्लीन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बना लूँगी अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे मैं इसे खलबट्टे में हल्का सा दरदरा सा कूट लूँगी। इस तरह से आपको बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर ये जो मशरूम है इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब दही, और इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छे से आने के लिए मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। और ये जो पेस्ट हमने अदरक लहसुन और मिर्ची का था वो हम 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, और थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर मैं ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा कलर आने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, और उसमें 2 चम्मच मैं ऐड करूंगी ऑयल। लाल देगी मिर्च इसमें मैंने ऐड की है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे कि सब मशरूम में अच्छे से लग जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें मैरिनेट कर लेना है, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैं लूँगी 2 बड़े साइज़ के 1 टमाटर और 1 ऑनियन। अब मैं इसे अच्छे से छील के अच्छे से वॉश करके मैं जो ये ऑनियन है इसे एकदम बारीक सा चॉप कर लूँगी, जो हमें पेस्ट बनाना है इसमें ऑनियन और टमाटर का। तो इसे हम बारीक बारीक इस तरह से चॉपर में इसे मैं बारीक बारीक हाथ से इसे मैं काट लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे रख दिया है एक कढ़ाई। इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और बगल में मैं एक और पैन रख दूँगी गर्म होने के लिए। जो हमारे मशरूम है उसे हम हल्का सा उसमें सॉटे कर लेंगे, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने 2 से 3 लौंग, काली मिर्च और 2 तेज़ पत्ते डाल दी हैं, और 1 चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब हम इसमें जो कटे हुए ऑनियन है उसे हम डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चला लेंगे। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये भी गर्म हो चुका है पैन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मशरूम। इसी मशरूम को भी हमें हल्के से ऑयल में हल्का सा सेलो फ्राई कर लेना है कि मशरूम है इसमें थोड़े से गोल्डन पैचेस आ जाए। तो यहाँ पे मशरूम हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे 1 टमाटर काट लेंगे। इसे भी हमें अच्छा सा बारीक सा चॉप कर लेना है, इस तरह से आपको काट लेना है। तो यहाँ पे जो ऑनियन है वो भी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और मशरूम भी हमारा आप देख सकते हैं हल्का उसमें गोल्डन पैचेस आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं ऑनियन में डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट। इसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाए तब हम इसमें जो कटे हुए टमाटर है बारीक वो भी ऐड कर देंगे। टमाटर जल्दी गलाने के लिए हम इसमें स्वाद अनुसार जो नमक है वो ऐड कर देंगे, और साथ ही में थोड़े मसाले हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें टमाटर गला लेना। ये हमारे टमाटर जल्दी से गल गए हैं, तो अब हम इसमें जो भुना हुआ मशरूम है वो ऐड कर देंगे, और जो थोड़ा सा लगा है उसे भी मैं पानी में ऐड करके अच्छे से मशरूम में डाल दूंगी। अब मशरूम को अच्छे से हमें थोड़े से मीडियम फ्लेम पे ऐसे हमें अच्छे से भून लेना है इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब बटर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे डालकर हम अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी सूखी ग्रेवी खाना है तो आप इस तरह बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा पतला खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल ग्रेवी की बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मशरूम ऑलरेडी पानी छोड़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे मशरूम की सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। ये देखिए, खाने के लिए एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। चलिए तो अभी हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी चटपटी सी मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। कैसे लगी आपको रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा।